हे गाइस, पिछले बार हमने जो पार्ट 11 था उसको सिंपली क्रिएट किया था, सीन को रिवर्स कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये मास्किंग का कुछ प्रॉब्लम है, तो वही मैं बता देता हूँ क्या करने से। तो देखो यहाँ पे मैंने ऊपर भी एक देखो ये इस तरीके का लेयर बनाया था, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है स्टार्टिंग से ही आ रहा है देखिए यहाँ पे। और एक्चुअली वो आना चाहिए, लेकिन वो यहाँ से शुरू होना चाहिए, यहाँ से 85 से। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये वाला ऊपर वाला लेयर जो है ना वो सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए ये वाला तो चला गया, ठीक है, लेकिन लेकिन आप लोग देख सकते हो ये जो नीचे वाला है ये कंटिन्यू रहना चाहिए स्टार्टिंग से, क्योंकि यहाँ से जा रहा है देखो ना। सो ये नीचे वाला जो था वो स्टार्टिंग से क्या होगा अभी शुरू होगा यहाँ से। ये अनलॉक कर देता हूँ और हाइड कर देते इसे ताकि दिखाई दे। और उसके बाद ये वाला जो की फ्रेम है वो आगे यहाँ तक, थोड़ा और आगे यहाँ तक। तो होगा क्या देखो, अभी हो गया। एक बार मैं लॉक करके सब देख लेता हूँ कैसे हो रहा है। देखो यहाँ तक है, सब अभी ठीक हो रहा है देखो, और अंदर भी जाएगा देखो इस तरीके से। तो ये मास्किंग आप लोगों को भी क्या करनी होगी, मैनेज करनी होगी। सो रिवर्स फ्रेम किया था सब कुछ, तो यहाँ पे भी रिवर्स फ्रेम चाहिए थे, इसलिए ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला जो हमने बनाया था फ्रंट और बैक जो भी बनाया था वो सब कुछ हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। ये आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो। ये क्रैप के एनिमेशन तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जो हेरॉन आ रहा है दौड़ के या फिर उड़ के जो आ रहा है, जो ओरिजिनल स्टोरी है यहाँ पे देखिए, ये ओरिजिनल स्टोरी में है, ये अंदर जा रहा है और ये हेरॉन आ रहा है। सो ये हमें दिखाना है, तो उसके लिए हमें हेरॉन लेना होगा। यहाँ से आते हैं, हमें फ्रंट वाला हेरॉन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से सो ये है देखो यहाँ पे फिफ्थ में ओपन कर लेता हूँ। प्लीज़ डाउनलोड माय पिक्टो सुपरसेट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखी रखी है, प्लीज़ उसे शेयर भी कीजिए और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो देखो ये ओपन हो गया, ये ग्रिड है या फिर रूलर है, रूलर को मैं बंद कर देता हूँ पहले राइट क्लिक करके। रूलर इस सीन में शायद से पहले सी थी, और हाँ कहाँ से शुरू करना है देखो, लेना है उसे देखो ये वाला ही लेना है हमें, ये सेम होगा। सो इसे हम सॉरी लॉक टेलियर, इसलिए वैसे हो रहा था। ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और 10th पहले बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे नए लेयर पे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये सबसे ऊपर रख दे देखो, इसको नाम दे दो पहले हेरॉन करके। उसके बाद यहाँ पे अंदर जाते हैं, और ये जो फिश है ना ये ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे। तो बाहर आते हैं और बाहर आते हैं, देखते हैं ये स्टार्टिंग से एनिमेशन नहीं हो रहा है उसका, हेरॉन का जो एनिमेशन यहाँ से भी नहीं होगा दिखा है। तो ये सबसे आगे जब क्रैब अंदर चला जाएगा ना उसके बाद आएगा ये, देखो यहाँ से शुरू कर देते हैं। प्लस उसकी की फ्रेम जो है वो हमें सेट करनी है यहाँ पे, देखो फर्स्ट से शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे, और इसे उस तरफ लेके जाना है। तो मॉडिफाइड ट्रांसफॉर्म एक्चुअली फ्लिप करना है हमें उस तरफ, मतलब फ्लिप करना है इसे। तो देखो ये इस तरफ से आएगा उड़ के और बैठेगा, ठीक है, और आगे के एक्शन हम बदल देंगे। पहले हम बैठने वाला जो पोजीशन है ना ये ले लेते हैं यहाँ पे,
और इसे हमें बड़ा करना होगा। तो मैं साइज़ में पहले बड़ा कर लेता हूँ ये जो सीन के हिसाब से और क्रैप के हिसाब से, तो इसे बड़ा कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया। अच्छा ठीक है, सो ये हो गया। आगे और बढ़ाना होगा हमें, तो फ्रेम्स बढ़ाते हम लोग। फिलहाल मैं 250 तक फ्रेम्स बढ़ाता हूँ सबके, तो सबको मैंने इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इंसर्ट फ्रेम कर दी। देख लेते हैं। अच्छा, ये सब कुछ एनिमेशन हमें क्या करना है, उतर गए। ये सब एनिमेशन में हमें चेंजेस करने हैं। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो इसे जो हेरोन है यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो उससे पहले हम यहाँ पे उतराते हैं। स्टार्टिंग जो है वो इसे सिलेक्ट करके फर्स्ट से नहीं, हम लोग ये 30 से शुरू करते हैं, ताकि यहाँ पे ही उतर जाए। ठीक है, जल्दी उतर जाए। 30 से अच्छा 40 शुरू कर देता हूँ यहाँ से, ये ठीक रहेगा। नहीं, 30 ठीक रहेगा, 30। अभी क्या करते हैं, पहले हम ये इसे देखो सेटल के लिए यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम कर देते हैं, और इसे यहाँ से उठा के इस तरफ से लेके आते, राइट क्लिक करके क्लासिकल ट्विन, और प्लस यहाँ पे हमें क्या करना है, 100 से क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग में फास्ट आएगा, उसके बाद स्लोली लैंडिंग भी होगा। ठीक है, सो कंट्रोल एंटर करके एक बार देख लेते हैं। और प्लस मैं क्या करता हूँ, अंदर वाला एनिमेशन जो था एरन का वो निकाल देते हैं, ये ठीक ही लग रहा है मुझे यहाँ पे। और हाँ, आगे का एनिमेशन हम चेंज कर देंगे, एरन का था वो जो। अच्छा, तो यहाँ पे वो उतर गया ना, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं इसको यहाँ पे, और इसके आगे वाला एनिमेशन हम थोड़े चेंज कर देंगे। देखो ये वाला, यहाँ से क्लियर की फ्रेम कर देता हूँ पहले मैं, सॉरी, हाँ क्लियर की फ्रेम। रिमूव क्लासिकल ट्विन, और 100 से आगे वाला जो एनिमेशन है वो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से निकाल देते। सो राइट क्लिक करके क्लियर पोज हो गया, इसे यहाँ तक आया, ठीक है। बाहर जाके एक बार देख लेते, उसके बाद वो नीचे दिखेगा कहाँ से, देखो ये जो एनिमेशन है ना यहाँ पे 16 में, वैसे ही करवाना है हमें, जूम इन करवाना होगा
हमें हम यहां से ही जूम इन करते हैं। कहां से? यहां से इंसर्ट की फ्रेम सेव कर लेता हूं पहले, और ये देखो ये जूम इन वाले ले लो और जूम इन कर लो, ये ठीक लग रहा है। और जूम इन कर लेते हैं, अच्छा इसे एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। ये कंप्लीट सीन लग रहा है वैसे भी, ये होल दिख रहा है या फिर नहीं, ज़रूरी नहीं है कि होल दिखना चाहिए, हम और जूम इन कर सकते हैं। लेकिन जूम इन करते समय इसे भी हमें एडजस्ट करना होगा, हेरम को भी सेंटर में लेके आना होगा लगभग, और ऊपर देख लो, ये देखिए कट नहीं होना चाहिए कभी भी, जो हमारा कैरेक्टर होता है वो कभी भी कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा होल्ड रख के वो नीचे दिखेगा, यहाँ से एनिमेशन है लगता है अंदर, सो ये मैं उठा के क्लियर की फ्रेम कर देता हूँ। बाद में हम सिर्फ क्या करेंगे, तो हिरन का जो ये नोज है उसका मतलब जो अंदर वाला पार्ट है, देखिए ये वाले यहाँ पे, अगर मैं अंदर जाता हूँ तो ये अलग बना के रखा है मैंने अलग अलग, लेकिन यहाँ पे बोनिंग भी है, इन बोन्स को मुझे निकालना होगा क्योंकि इस तरीके का एनिमेशन हमें करना है। देखिए एनिमेशन जो है वो 16 में जो मतलब यहाँ पे 16 शॉट जो है देखो इस तरीके का बनाना है, तो इसके लिए हमें ये जो रिगिंग है वो निकालनी होगी। तो रिगिंग को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, और ये वाला जो पार्ट है रिगिंग का वो डिलीट कर देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। और एक करना है आप लोगों को, आप लोगों को क्या करना है देखो, इसके अंदर जाना है और अंदर जाके सॉरी इन दोनों को सिलेक्ट करना है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, कट किया कंट्रोल एक्स, और इसके अंदर जाना है। उससे पहले ये जो पार्ट है ये भी डिलीट कर देना है, ये एक्स्ट्रा पार्ट था उन दोनों को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं ट्रांसफॉर्म टूल से इसे सिलेक्ट करके, सॉरी ये एक्चुअली पिछले वाला पार्ट है, ये होना चाहिए, मैं अंदर जाता हूँ पहले यहाँ पे देख लेता हूँ, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट हो गया यहाँ पे, देखिए इस तरीके से बाहर आता हूँ, थोड़ी वहाँ पे हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हेरॉन है, ठीक है। तो ये क्लाउड का ही पोर्शन था मुझे लग रहा था, वो बगले के ऊपर वाला चोच के साइड का पोर्शन है, तो ठीक है मैं अंदर आया, अंदर आने के बाद इसे मैनेज करते हैं। देखो इसे क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा सा मैनेज अंदर से भी करना होगा। तो यहाँ पे कुछ एनिमेशन करके रखा था पिछली बार, मैंने इसको क्लियर की फ्रेम कर दिया, और इसके अंदर भी जाके देखते हैं ये क्लियर की फ्रेम, क्योंकि ज़रूरत तो नहीं है फिलहाल, निकाल देते, जो भी अंदर एनिमेशन होगा वो सब कुछ निकाल दो, देन इनको मैं अलग अलग लेयर पे लेके आता हूँ, पहले ये तो चाहिए ही चाहिए, ये अलग लेयर पे, ये अलग लेयर पे, ठीक है। और सेकेंड की इसे भी पीछे लेके देखते पहले, तो इसके पीछे जाएगा ये, तो दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, और ये देखिए इस तरीके से, तो एनिमेशन में कोई गड़बड़ नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पे आपको प्रॉपरली मैनेज करना होगा, एनिमेशन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। अभी आप लोगों को सिंपल हो जाएगा उसका
एनिमेशन करने के लिए आगे का। तो यहाँ पे ये जो आँख है ना, उसका एनिमेशन हुआ है या फिर नहीं देख लेते ही यहाँ पे ही। एक्चुअली यहाँ पे नहीं हुआ है क्योंकि ये मुझे ये सिलेक्ट करके दोनों को थोड़ा पीछे लेना था, ये इसके हिसाब से मैनेज करना था, तो मैनेज कर लेता हूँ पहले। ये हो गया, तो ऐसे चेंजेस आपको करने होंगे, ठीक है। रिग में यही प्रॉब्लम्स होती हैं देखा जाए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, कहाँ से शुरू करना है वो भी देखना होगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, देखिए और 110 से शुरू करने वाले थे हम लोग। सो यहाँ से हम शुरू कर देते, इंसर्ट पोज कर लेता हूँ मैं पहले, इंसर्ट पोज। तो पहले हम क्या करेंगे, वो नीचे जाएगा, नीचे दिखेगा यहाँ से, देखो। सो 100 ये हो गया, 105 से या नहीं 110 से शुरू करते हैं। सो 110 से वो नीचे दिखेगा और ना बोलेगा। तो 110 से आते यहाँ पे, और उसके बाद नीचे दिखने वाला जो एनिमेशन है वो लगभग मैं यहाँ तक करता हूँ, इंसर्ट पोज। बाद में अगर चाहिए तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, पहले देख लेना कि कैसे हो रहा है एनिमेशन। ये देखिए इस तरीके से करना है, वो नीचे दिखेगा और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, ये देखिए इस तरीके से वो पंखों को ऊपर करेगा नीचे देखते समय, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से है एनिमेशन। सो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ये जब नीचे देख रहा है, नीचे देखने के बाद वो एक्शन करेगा, तो 130 से हम शुरू करेंगे एक्शन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे इंसर्ट पोज करके रख देते हैं पहले। इंसर्ट पोज करने के बाद यहाँ से देखिए ये थोड़ा होल्ड रहेगा, उसके बाद एनिमेशन होगा। तो ये मैं 140 तक करूँगा। सो अंदर पहले, सॉरी पहले बाहर से एनिमेशन कर लेते हैं। सो इंसर्ट की फ्रेम यहाँ से या फिर इंसर्ट पोज, उसके बाद वो उस तरफ जाएगा और उसके बाद इस तरफ आएगा। सो इंसर्ट पोज, ठीक है। तो पहले हम 140 को इसे एनिमेशन करवाते हैं। तो ये जो है दूसरा भी मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, तो अभी इसके बीच में देखो ऐसे ही एनिमेशन हो रहा है फिलहाल। अभी अंदर जाके हम एनिमेशन करेंगे, ये जो माउथ के अंदर है ना, इसके अंदर जाते हैं, पहले की फ्रेम देखते हैं कितनी की फ्रेम है। देखो सिलेक्ट करके पहले ये देख लेना, 140 तक की फ्रेम बराबर है। 140 टू 150 तक हमें क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम करवाना है, लगभग सबको ही करना होगा देखा जाए तो। सो इंसर्ट की फ्रेम और यहाँ पे वापस से इंसर्ट की फ्रेम, एक मिनट, इंसर्ट की फ्रेम जो 140 या 50 को किए हैं उससे पहले 130 को भी करना होगा, तभी जाके वो सिमिलर एनिमेशन हो पाएगा। सो 130 को मैंने यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम कर दी, देन यहाँ पे मैंने क्लासिकल ट्विन दे दिया। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें ये जो सब एनिमेशन है इस तरीके से करना है, मतलब वो उस तरफ देख रहा है। उसके पहले भी और एक करना है, हमें 130 को जाना है और 130 से लेके इसके अंदर चला गया हमें आँखों के अंदर, और यहाँ से हमें इंसर्ट की फ्रेम करके 135 तक इंसर्ट की फ्रेम, और इसे इस तरीके से रख दिए। यहाँ पे हम क्लासिकल ट्विन दे देते हैं। देखिए इस तरीके से होगा, देख रहे हैं। और ये भी जो है इसे भी हम लोग थोड़ा थोड़ा इस तरफ लेके आएंगे, सॉरी शो फ्रेम्स। तो देखिए ये उस तरफ चला गया, उसके साथ साथ ये चोंच भी क्या होगी, ये जो चोंच है वो भी उस तरफ चले जाएगी। तो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, सेंटर जो है दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे रख के
दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके सेंटर सेंटर मैंने रखा है और इस तरफ कर दिया ताकि ऐसा लगे कि उस तरफ चली गई। देखो दिख रहा है, और चाहिए तो और कर सकते हो। इससे इससे क्या होगा, इससे लगेगा कि उस तरफ चली जा रही है, ठीक है। प्लस अभी ये जो एनिमेशन है चोच का, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ इस तरफ, ठीक है। और प्लस इसे दोनों को सेलेक्ट करके सेम यहाँ पे थोड़ा सा इसे स्क्यू, मतलब इस तरफ ज़्यादा होगा, ऐसे दिख रहे हैं। और चाहिए तो और कर देना ताकि ऐसे लगे कि उस तरफ पूरे का पूरा चला जा रहा है, तभी जाके वो इफेक्ट आएगा, दिख रहा है। उसके बाद उसके साथ साथ इन्हें भी इसे भी करना होगा, दिख रहे हो। ये थोड़ा ऐसे ही कर लेते हैं और ऐसे देखते हैं अभी। अच्छा अभी वापस से क्या करेंगे हम लोग, यही की फ्रेम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और ये फर्स्ट वाली की फ्रेम कॉपी पेस्ट करेंगे लास्ट में ताकि लेवल में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं क्या करूँगा, क्लासिकल पे यहाँ पे ऑल सेलेक्ट किया, और फ्रेम्स देखो 170 है तो फ्रेम्स मैंने 170 रख दी। अंदर जो भी एनिमेशन होगा 170 का वो दिखाई देगा, क्योंकि आंखें बंद थी यहाँ पे, अगर आपने आपको याद है तो। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे रिमूव क्लासिकल ट्विन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो एनिमेशन होगा उसे भी एज इन एज आउट देना होगा आप लोगों को। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और ये उस तरफ चला जा रहा है ना, तो ये फास्ट जाएगा। सो 60 कर देते हैं, 60। देन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया -60, बाद में यहाँ पे सेलेक्ट किया 60 और ये -60। भारत तो देखो दिख रहा है, ये एनिमेशन अच्छा लग रहा है देखने के लिए। प्लस अगर बाहर आते यहाँ पे अगर एनिमेशन करें हम लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे उसे, सो 130 से मैं यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम कर लेता हूँ, और ये 140 तक इंसर्ट की फ्रेम, और 150। सो अभी अगर हम यहाँ पे क्लासिकल ट्विन देते हैं, और ये जो बीच वाला जो है ना, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट करेंगे ना, दिख रहा है अच्छा दिख रहा है ये। पहले से सेलेक्ट करके मैं देख लेता हूँ, ये 150 है, हाँ बराबर है। सो वापस 160 यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम, और 170 इंसर्ट की फ्रेम, इंसर्ट की फ्रेम, क्लासिकल ट्विन। और यहाँ पे हमें पता है क्या करना है, हल्का सा ऐसे करना है, प्लस अंदर जाना है 160 को, यही की फ्रेम कॉपी पेस्ट करनी है। तो मैंने राइट क्लिक किया कॉपी पोज, और यहाँ पे आके वो मैंने पेस्ट पोज कर दिया यहाँ पे। और जो यहाँ पे पोज थी कौन सी वाली, ये वाली सेम मैंने राइट क्लिक करके वापस से कॉपी पोस्ट कर दी, और 170 को लास्ट में मैंने ये पेस्ट पोस्ट कर दी। सो दो बार वो ना बोलेगा, उसके बाद क्या होगा देखो, यहाँ पे हमने पेस्ट पोस्ट कर दी ना, तो अंदर वाला एनिमेशन भी वैसे ही आ रहा होगा। सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके देख लेता हूँ, ये वाली की फ्रेम की वैसे ज़रूरत नहीं है, सेम की फ्रेम होगी 140 को और 160 को, फिर भी मैंने चेंज करवा दिया,
देखिए इस तरीके से एनिमेशन होगा। ओके उसके बाद हमें क्या करना है, वापस से रिवर्स एनिमेशन की तरह 175 तक यहाँ पे इसे इंसर्ट की इंसर्ट पोज, और ये जो 140 शायद ना नहीं ये वाली कॉपी पोज, और हमें जाना है यहाँ पे पेस्ट पोज करना है। उसके बाद 175 सो अंदर जाने यहाँ पे क्या करना है देखो, 175 को हमें इसके अंदर वापस से जाके आंखों के अंदर में गया, ये जो था ना ये रिवर्स एनिमेशन करना है 175 को। सो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट पहले कर दिया और राइट क्लिक करके रिवर्स फ्रेम कर दिया, तो ये ओपन हो गया देखो इस तरीके से। ठीक है भारत है और देखते हैं एनिमेशन कहाँ तक कैसे हो रहा है। अच्छा इसे मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखो ये फ्रेम्स कितनी है 185 ये सॉरी वन ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं पहले 185 सो मैंने सबको सेलेक्ट करके 185 कर दिया। ठीक है उसके बाद 190 से हम लोग उसे अप कर देंगे मतलब बाहर कर देंगे। ठीक है जो कि एनिमेशन था सो कौन सा वाला एनिमेशन, यही लगभग सेम एनिमेशन होगा या फिर हमारे पास प्रीवियस वाला एनिमेशन भी था अगर आप लोगों को याद है तो। हमें फ्रेम्स भी बढ़ाने होंगे और आगे का एनिमेशन भी करना होगा, लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही।